गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे का दिन है और ये देखिए 6:25 होने लगे हो गए हैं और अभी मैं जलाती हूँ लाइट्स। यस, अभी मैं आ गई हूँ हॉल में, लाइट को ऑन करते हैं और जरा देखते हैं बाहर का मौसम। मौसम अच्छा होना चाहिए क्योंकि आज ना संडे है, चढ़ जाना है। मौसम कैसे गरम है। लेकिन चलो, क्या पता थोड़ी देर के बाद सही हो। ज़्यादा धूप नहीं निकलनी चाहिए। मेरे पेड़ पौधे भी खुश हैं, बारिश हो रही है, उनको पानी मिल रहा है, प्रॉपर खाद डली है, इसलिए पेड़ पौधे भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अब चलते हैं अंदर और तैयारी करते हैं आज के काम की। आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना है तो मुझे ये सारा काम करना है और करके मुझे जाना है चर्च। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और हम सब भी आपकी दुआओं से एकदम ठीक है, एकदम मीन्स एकदम ठीक है। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशा बास्केट में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मौसम के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि मौसम का हाल बहुत खराब है। धूप कड़क निकली हुई है, संडे का दिन है और आज हम अपने घर से निकल रहे हैं आज हम अपने घर से निकल रहे हैं 8:40 पे, क्योंकि आज हम गए नहीं बिकॉज मुझे घर में किवी का खाना भी रेडी करना था, टाइम नहीं था इतना, तो मुझे टाइम चाहिए था। इसलिए मैंने कहा नहीं, घर में ही मैंने अपना नाश्ता वाश्ता, हस्बैंड ने नाश्ता करा और अभी इसका खाना वाना सब रेडी करके मैं अब निकल रही हूँ, ताकि जब मैं लौट कर आऊंगी तो इसका खाना ठंडा हो जाएगा और मैं इसके खाने को गोला बनाकर फ्रीजर में रख सकती हूँ। इसका जब खाना खत्म हो जाता है तब मुझे थोड़ी टेंशन सी होती है। बड़े मजे की बात है कि बिग बॉस जो अपना आने वाला है, उसके जो 18 कंटेस्टेंट है वो फाइनल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। कुछ कुछ का मुझे नाम ही याद है। सबसे पहले करण पटेल, अरे भाई आकर बहुत टिप्पणी देता था, हिना खान को दी, अंकिता को दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंकिता को नहीं, किसी और को भी दी थी उसने टिप्पणी देता था, तेजू को दी। अब देखते हैं कि क्या होता है उस घर का ऐसा ही होता है, चारों तरफ से बंद और अपनी सबकी खोपड़ियां चलती है और सब अपने अपने जो व्यूज होते हैं एक दूसरे पे थोपते हैं, लड़ाइयां करते हैं और कभी कभी नेगेटिविटी भी होती है। आजकल तो मैं देख रही हूँ बिग बॉस मराठी वाला, बिग बॉस मराठी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मराठी आती है, मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे मराठी का, पर मैं रिव्यू नहीं देती उसका, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। पर एक बात बताती हूँ, उधर निक्की तंबोली है, निक्की तंबोली ने तूफान उठा रखा है वहां पर। एक तरफ से आप बोल सकते हैं बदतमीज है और एक तरफ से बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्लंट है, एकदम किसी का रखती नहीं है और बस सबका जहां का तहां उनको सही कर देती है और किसी का बिचिंग नहीं करती पर सामने मुंह पर बोलती है। ये तो होगी मराठी बिग बॉस की बात, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है उसको देखते हुए। नाम बहुत चल रहा है चर्चा में, बहुत एक डेढ़ महीने से देख रही हूँ कि शोएब इब्राहिम का मुझे लगता नहीं है कि शोएब इब्राहिम आएगा, बिकॉज उसने खुद भी मना करा है कि मैं नहीं आऊंगा। पता नहीं उसका नाम क्यों इतना चलन में है और इतना चलन में है कि जो कन्फर्म्ड लिस्ट है उसमें भी आ रहा है। वो नागिन बनी थी ना सुरभि, वो भी आ रही है। कृतिका मलिक का भी नाम आ रहा है, आई थिंक शी शुड नॉट कम, बिकॉज क्या है, इतना अच्छा उनका घर में चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग थी तीनों के बीच में। बिग बॉस में आके उन्होंने क्या बोलते हैं, छिछी कर दी, मतलब लोगों ने छिछी क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिग बॉस में आके उनका बहुत ही ज्यादा दो वाइफ का कुछ ज्यादा ही फैल गया, सोशल मीडिया पर भी काफी फैल गया। अभी सही चल रहे हैं तो अपने घर में रहो यार, तुम वैसे भी इतना अच्छा चल रहे हो, काहे को कृतिका मलिक ने आना। तो आप देखते हैं कि कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है, कंफर्म तो उसी दिन पता पड़ेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ बिग बॉस 18 का, अक्टूबर के, अब सितंबर आज से शुरू हो गया और आप सभी को ये सितंबर
मुबारक हो और हम सबको, हम सबका ये सितंबर बहुत 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 खुशी का बीते। तो चलते हैं और अभी हम जा रहे हैं चर्च, और चर्च में थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ क्वायर का गाना वाना दिखा, मुझे अच्छा लगता है तो मैं दिखाती हूँ। और अभी मेरी की भी बहुत उदास हो गई है क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, तो अभी हम जा रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं और रास्ते का दिखाती हूँ कि ट्रैफिक जाम है कि नहीं जाम है। चलिए सहम, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये रही मेरी कीबू, कीबू पजे को। हाँ, ये मेरी कीबू है जो भैया गुच्चा हो रही है, गुच्चा हो रही है। चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ड्रेस है ये चर्च का और हम चले चर्च। तो निकल पड़े हैं हम चर्च जाने के लिए। देखिए रोड कितनी अच्छी है ये वाली, चारों तरफ ग्रीनरी है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी बहुत कम है, संडे का दिन है ना। चर्च के बाद हम सीधा मैकडोनल्ड आ गए थे 29 सेक्टर, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी थी। तो मैं और सैम सीधा घर ना जाकर यहाँ पर आ गए कि चलो एक एक बर्गर खाते हैं, और फिर हमने खाई आइसक्रीम, मज़ा आ गया और इस तरह हमने अपना संडे मनाया। यहाँ मैं मैकडोनल्ड में बैठी आइसक्रीम खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे मैकडोनल्ड की, थोड़ी मीठी भी कम होती है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि ये गुड़गांव का ना 29 सेक्टर है, ये रात में इतना खूबसूरत लगता है, दिन में तो बहुत अच्छा लगता है पर रात में इतना खूबसूरत लगता है, एकदम लिट अप ऐसा लगता है जैसे एक दुबई के किसी एक पार्ट में आ गए हम लोग। बहुत अच्छी जगह है। आज 6 बजे है, मैं उठ गई हूँ जल्दी बिकॉज आज कहीं जाना है तो मुझे लंच पूरा बना कर जाना है। तो सबसे पहले मैं लंच की तैयारी करूँगी जब तक सैम और ये कीवी सो रहे हैं, बेटा सो रहा है। ये मेरे बेटे का रूम है जहाँ मैं सुबह सुबह जा रही हूँ। देखिए मैं क्यों जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि आजकल जो कीवी है वो मेरे बेटे के रूम में ही सोती है और उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब सुबह सुबह हो गई है तो मुझे उसको अपने रूम में लेकर आना पड़ता है। अब ये देखिए बड़ी मुश्किल से वो आई है और ये देखिए सुबह सुबह इसे लेकर आई हूँ ताकि मैं इसे अपने रूम में कर सकूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह सुबह मेरा काम शुरू हो गया है और ये देखिए सबसे पहले मैं चूल्हा, रात में भी साफ़ करके सोती हूँ लेकिन सुबह उठते ही मुझे चूल्हा साफ़ करना होता है। आज मुझे दोपहर में कहीं जाना है तो मैं सुबह सुबह ही लंच की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने मटन करी का सारा सामान ले लिया है और मैं अब बना रही हूँ मटन करी, अपने लिए मटन करी और अपने बेटे के लिए भुना हुआ मटन। तो बस आके रोटी बनानी होगी, ईजी रहेगा इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये रेसिपी अपलोड करी है। आज फ्रेंड्स मेरा लंच रेडी हो गया है, मैंने लंच में बनाया है मटन करी, सिंपल बनाई है, अरबी वाला बनाना था लेकिन अरबी मंगाई तो एकदम ख़राब निकली। ये मेरे बेटे का भुना मटन है और ये अभी मैंने नाश्ते में ना पोहा बनाना है तो पोहा की मैंने सारी तैयारी कर दी है, जब सैम उठेंगे तो फटाफट ताज़ा ताज़ा पोहा बनाऊंगी। तो आज मैंने ये जल्दी करा है लंच क्योंकि मैंने जैसा बोला कि मुझे दोपहर में कहीं जाना है तो कुछ कुछ किचन का कुछ कुछ सामान लेना है तो मुझे जाना है, इसलिए मैंने ये तैयारी करी है। और अभी बज गए हैं 7 और मेरा लंच रेडी हो गया ऑलमोस्ट। लंच थोड़ा मैंने हैवी बनाया था, मटन करी वगैरह बनाया था तो इसलिए ब्रेकफास्ट में सोचा कि आज लाइट बनाते हैं और आज का ब्रेकफास्ट है पोहा। पोहा की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं मैंने दो तीन तरीके का पोहा की रेसिपी डाली है। खट्टा मीठा भी होता है, कुछ कांदा पोहा भी होता है, प्लेन पोहा भी होता है, तो इन सब की रेसिपी मैंने डाली है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और पोहा बहुत ही लाइट होता है, मज़ेदार होता है और खाने में भी बहुत फीलिंग होता है, अच्छा लगता है। मैंने नींबू भी डाला है, थोड़ी सी शक्कर भी डाली है, यानी कि खांड में डालती हूँ वो भी डाली है मैंने, और इस तरीके से पोहा बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़ेदार बना। तो अभी अभी मैं आई हूँ गोटी पर और यही मैं पी रही हूँ अपनी मैंगो पैशन, बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक है और इनकी सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छी होती है।
और ये अभी अभी खुला है ना शायद? हाँ, यहाँ पर, यहाँ पे 2 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर 2 साल हो गए और हमें अभी पता पड़ा है, हमें अभी 2-3 महीने से पता पड़ा है, लेकिन वी आर एंजॉइंग। और मैंने ये सोचा कि चलो अब मैं जब यहाँ पर बैठी हूँ अपनी अच्छी से ड्रिंक के साथ, और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, म्यूजिक चल तो नहीं रहा धीरे धीरे, नहीं यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, मैंने इनको बुला के रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इस म्यूजिक को बंद कर सको तो कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। तो इन्होंने मेरी बात को माना और इन्होंने म्यूजिक को बंद करा, थैंक यू वेरी मच। और इस ड्रिंक के साथ मैं सोचती हूँ कि ये ब्लॉग अभी लंबा हो जाएगा, कल का मैंने शुरू करा हुआ है और आज नेक्स्ट डे है, मौसम भी काफ़ी अच्छा सा हो गया था इसलिए हम थोड़ा घर से निकले, मुझे कुछ किचन का सामान खरीदना है, तो मैंने कहा पहले ना यहाँ पर बैठा जाए और उसके बाद थोड़ा सामान वगैरह खरीदते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, मेरे सब्सक्राइबर नंबर जल्दी बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।